नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सेवा से संबंधित नियमों के बारे में, डिफेंस सिविल एंड स्टाफ के ट्रांसफ़र नियमों के बारे में अवगत कराएंगे। आज यहां पर हम आपको डिफेंस सिविल एंड स्टाफ ट्रांसफ़र के नियमों के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको केंद्रीय सरकारी नौकरियों के बारे में, स्टेट की नौकरियों के बारे में, जब जब किसी भी प्रकार की भर्ती निकलेगी उसके बारे में हम अवगत आपको कराते रहेंगे। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सिविलियन स्टाफ के ट्रांसफ़र के क्या क्या नियम हैं? डिफेंस सिविलियन स्टाफ की ट्रांसफ़र तीन प्रकार से हो पाती है। ट्रांसफ़र कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर, मेडिकल ग्राउंड के आधार पर या म्यूचुअल बेसिस हो सकती है। तीनों प्रकार की ट्रांसफ़र आर्मी ऑर्डर नंबर 22/2001 के तहत होती हैं। इस आर्मी आदेश संख्या 22/2001 के पृष्ठ नंबर 34 पर 15 नंबर सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है, यदि किसी भी कर्मचारी का आवेदन किसी भी कारण से संबंधित अधिकारी द्वारा रोका नहीं जा सकता है, जैसे कि किसी भी यूनिट में स्पेसिफिक पीरियड सर्विस पूरी होने पर या स्टाफ की कमी का हवाला इत्यादि कारणों से रोका नहीं जा सकता है। इस सेक्शन में यह भी क्लियर कट लिखा हुआ है, यदि किसी कर्मचारी की ट्रांसफ़र उसके च्वाइस के स्टेशन पर हो जाती है तो उसके बाद उसे उस यूनिट में कम से कम 3 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही उस यूनिट से ट्रांसफ़र संभव हो पाती है। इस सेक्शन के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का आवेदन ट्रांसफ़र के लिए रोका नहीं जा सकता है। इस संबंध में जो कर्मचारी अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वह अपने संबंधित यूनिट के कमांडेंट ऑफिसर को आवेदन कर सकता है। आर्मी आदेश संख्या 22/2001 के सेक्शन 15 के संबंध में आर्मी मुख्यालय के पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2014 के माध्यम से कंपैशनेट ग्राउंड और म्यूचुअल बेसिस की ट्रांसफ़र के बारे में एक क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से आर्मी मुख्यालय ने सभी यूनिट सभी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कट आदेश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र आवेदन को गंभीरता से लें और हर स्तर पर गंभीरता से डील करें और किसी भी कारण से किसी भी कर्मचारी का आवेदन रोका नहीं जा सकता है, ताकि इस प्रकार के आवेदनों को डील करने के बाद या डील ना करने से किसी प्रकार की कोई लीगल लिटिगेशन पैदा ना हो। इस संबंध में आर्मी मुख्यालय में JCM में भी यह मामला डील होता रहा है और JCM ने इसके ऊपर गंभीर नोट लिया हुआ है। मेडिकल आधार पर जो ट्रांसफ़र आवेदन किए जाते हैं उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी मेडिकल आधार पर अपना आवेदन अपने संबंधित अधिकारी को तब प्रस्तुत कर सकता है यदि कर्मचारी या कर्मचारी के माता पिता जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हो, उस मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर ही अपने संबंधित अधिकारी को मेडिकल आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया जा सकता है। म्यूचुअल पोस्टिंग
के बारे में भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। म्यूचुअल पोस्टिंग दोनों कर्मचारियों के बीच में हो सकती है। यदि एक कर्मचारी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाता है, उसके बदले में दूसरा कर्मचारी उस यूनिट को प्राप्त होता है। कर्मचारी दोनों एक ही ग्रेड पे के अथवा एक ही ट्रेड के होने चाहिए, तभी म्यूचुअल पोस्टिंग संभव हो पाती है। म्यूचुअल पोस्टिंग के लिए इस आर्मी आदेश 22/2001 के एनेक्चर 2 अपेंडिक्स 3 पर ज्वाइंट एप्लीकेशन परफॉर्मा शामिल है। आप इस आर्मी आदेश को देख सकते हैं। इस आर्मी आदेश से आप परफॉर्मा प्राप्त कर सकते हैं। इस परफॉर्मे पर दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षर होकर संबंधित कमांडेंट ऑफिसर के साइन होने पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव हो पाती है। ट्रांसफ़र के संबंध में अक्सर यह देखने में आया है कि कर्मचारियों द्वारा अपने संबंधित कमांडिंग ऑफिसर को जब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया जाता है, तो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा प्राय यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी यूनिट में आपको कम से कम 3 साल या इससे ज़्यादा वर्ष की सर्विस करनी पड़ेगी, या फिर स्टाफ की कमी का हवाला देकर ट्रांसफ़र आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम आपको यह बताना उचित समझेंगे कि इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। जहाँ तक स्टाफ की कमी का हवाला है, स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नियोक्ता का काम होता है, कर्मचारियों का नहीं। तो इस प्रकार आप अपने संबंधित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त यहाँ हम आपको बताना अनुचित होगा कि कुछ कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड का हवाला देकर भी ट्रांसफ़र के आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जबकि इस आर्मी आदेश के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी ट्रांसफ़र संभव होता है, क्योंकि आर्मी आदेश प्रोबेशन पीरियड पर एकदम साइलेंट है। इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है, तो सभी कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी ट्रांसफ़र संभव हो सकता है। यदि कोई साथी आर्मी आदेश संख्या 22/2001 प्राप्त करना चाहता है, तो वह इन्फो अकेडमी के ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट डालकर भी प्राप्त कर सकता है, या इन्फो अकेडमी के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकता है, ताकि हम आपको आर्मी आदेश 22/2001 भेज सकते हैं। साथ ही आप किसी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन्फो अकेडमी के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि हम उस विषय को लेकर भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और आपसे फिर निवेदन है कि आप इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।